हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एजुकेशन वन यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक्रोस्कोप जो होती है उसकी बेसिक्स क्या हैं और माइक्रोस्कोप मै जो हो, uh, होती क्या है बेसिकली तो शुरू करते हैं हम माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक डाई मतलब ये कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला होता है जिससे हम ऐसी छोटी चीज़ें देख सकते हैं कि जो एक आम आँख से नहीं देख सकते वो कहता है कि व्हेन वी लुक एट थ्रू अ माइक्रोस्कोप जब हम माइक्रोस्कोप में से कोई चीज़ देखते हैं इट अपेयर्स लार्जर वो हमें बड़ी दिखाई देती है दी माइक्रोस्कोप वो यूज़ इन अवर स्कूल आर लाइट माइक्रोस्कोप जो हम अपने स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं आप लोगों ने देखी होंगी वो क्या होती हैं लाइट माइक्रोस्कोप्स दीज माइक्रोस्कोप्स यूज लाइट टू शो दी इमेज और ये जो माइक्रोस्कोप होती हैं ये क्या करती हैं लाइट को शो करती हैं इमेजस दिखाने के लिए ए लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस एन आर्म आ ट्यूब आ स्टेज एंड टू एडजस्टमेंट सक्रूज ये उसकी उसने साख्त बताया है कि क्या क्या उसमें होते हैं कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं टू लेंजेज आर फिटेड ऑन द टू एंडस ऑफ़ द ट्यूब दो जो लेंस होते हैं वो दो एंड पर फिट होते हैं द लेंज एट द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रो विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड आई पीस उससे क्या कहते हैं आई पीस कहते हैं और द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस जहाँ पर आ, हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस लाइट इज़ पास थ्रो दी ऑब्जेक्ट फ्राम बिलो यूजिंग अ मिरर लाइट जो होती है वो ऑब्जेक्ट से पास होती है एक मिरर को यूज करके ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास लाइट एंड देन स्टेज वो कहता है कि जिसे हमने देखना होता है जिस सब्जेक्ट को उसे हम ग्लास स्लाइड पर रखते हैं और उसके बाद स्टेज पर रख देते हैं द फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप और जो फोकस करता है वो क्लियर हो जाता है उसके बाद वो कहता है वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अपू फिफ्टीन हंड्रेड टाइम्स बिगर दैन इट्स औरिजिनल साइज जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट उसके नीचे रखा है तो पंद्रह सौ गुना वो आपको बड़ा करके दिखाएगा मोस्ट ऑफ़ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप वाट डिड बायोलॉजिस्ट यूज टू सी इनसाइड दिस सेल अच्छा ये उसने एक सवाल किया है अब मैं आपको माइक्रोस्कोप दिखाता हूँ ये क्या है ये उसका है आई पीस उसके बाद ये जो दो स्क्रूज उसने दिए हैं ये हैं एडजस्टमेंट स्क्र्यूज़ ये उसकी ट्यूब है ये है ऑब्जेक्टिव लेंस जिससे हम देखते हैं ये जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है ये आर्म है आर्म के बाद ये जहाँ पर हम रखते हैं ये इसे कहते हैं स्टेज और उसके बाद ये जो नीचे लगा हुआ है ये है मिरर 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 किस पे लगा हुआ है बेस पे। ये इसकी सारी साख्त है माइक्रोस्कोप की और उसने एक, एक चीज़ ऐसी बताई है कि आप देखें वो कहता है क्या आप जानते हैं न नवाडे साइंटिस्ट यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द सेल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द इमेज अपू फि फाइव हंड्रेड थाउजेंड टाइम्स मतलब ये है कि पहले जो लाइट माइक्रोस्कोप होती थी वो सिर्फ पंद्रह सौ गुना बड़ा दिखाती थी किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकिन जो अब अलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई हैं वो कितना दिखाती हैं वो तकरीबन पाँच लाख गुना ज़्यादा बड़ा दिखाती हैं तो स्टूडेंट्स uh, ये थी मेरी वीडियो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल एजुकेशन वन को सब्सक्राइब करना ना भूलें